बहुचर्चित हॉलीवुड स्टार वर्षा अनुभव पारिवारिक विवाद मामलें नुआ मोड़ हाइकोर्ट में दायर कर पिटिशन को प्रत्याहार करनी वर्षा प्रियदर्शिनी वर्षा पिटिशन प्रत्याहार पर मामलें पूर्णच्छेद हाइकोर्ट तेरे वर्षा प्रियदर्शिनी विरुद्ध में सांघातिक अभोग आसी वर्षा हाइकोर्ट में दुई दुई थर जाल दस्तावेज दाखल कर अभोग आंसद स्वामी अनुभव वकिल फलस्वरूप अदालत को विभ्रांत करने अभोग वर्षा विरोध में अदालत अवमानना मामला रुजुराव अनुभव वकिल कहते अनुभव को पुणि थे जेरा करने लगे वर्षा कटक पर अदालत करवेदन खारज होता पर अदालत निर्देश को चैलेंज कर वर्षा हाइकोर्ट द्वारस्थ होते इस समय वर्षा दुईट तारीख में दुईट भिन्न भिन्न जाल दस्तावेज दाखल कर एने वर्षा वकिल सुजाता जेना जोजोग करोसी प्रतिक्रिया मिलना कि वर्षा प्रियदर्शनी जी के वकील बार बार डेट ले रहे थे और मैटर को खींच रहे थे विदाउट एनी रीजन और अनुभव मोहंती जी को हैरास किया जा रहा था, इसलिए फैमिली कोर्ट ने बंद कर दिया ये एविडेंस। जब ये लोग हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट में इन्होंने एक फर्जी डॉक्यूमेंट एनेक्स किया था जो कि पहले दिन ही हम लोगों ने हाईकोर्ट को बता दी थी। 30 तारीख को जब बहस हुई तो अनुभव मोहंती जी की ओर से सीनियर एडवोकेट गीता लूथरा मैडम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो अपियर हुई थी और उन्होंने ये बहस की। उन्होंने जज साहब को ये दिखाया कि देखिए जो ओरिजिनल कॉपी है वो बिल्कुल अलग है, जो कॉपी उन्होंने डाली है वो एकदम फर्जी एक डॉक्यूमेंट है, हाईकोर्ट को मिसलीड किया जा रहा है। हमें टाइम दिया गया कि दोनों पार्टीज अपना एफिडेविट सबमिट करें। उन्होंने एक नई एफिडेविट डाली और वो भी फर्जी थी, तो उन्होंने दूसरी बार फिर से और एक फर्जी डॉक्यूमेंट डाली। ये भी जब हमने हाईकोर्ट को दिखाया, हाईकोर्ट फिर से और एक डेट दे रही थी हमें बहस के लिए, लेकिन ये लोग इतना डर गए कि इन्होंने पूरा विथड्रॉ कर लिया वहां से।